गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस और बगड़िया बाल विद्या निकेतन. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम अपन पढ़ रहे थे. प्लांट किंगडम में भी अपन ने क्लासिफिकेशंस पढ़े थे कि प्लांट की क्लासिफिकेशन, जिसमें अपन ने नेचुरल पढ़ा था, उसके बाद आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसके बारे में भी अपन ने पढ़ा था. उसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स हैं या बेसिक्स हैं क्लासिफिकेशन के, वो है देखिए, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, फिर साइटोटैक्सोनॉमी है एंड देन कीमोटैक्सोनॉमी है. ये भी क्लासिफिकेशन के बेसिक्स हैं. देखिए, देखते हैं. फर्स्ट जो है वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, देखिए, इट कंसिडर्स ऑल द हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. बहुत सारे जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, ऑब्जर्वेबल कौन से होते हैं, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, उनको एंड गिवन इक्वल वेटेज, और उन कैरेक्टर्स को कंसिडर्ड करने के बाद उनको वेटेज जो होता है वो इक्वल वेटेज दिया जाता है. फिर उनको नंबर या कोड देते हैं असाइन बाय द कंप्यूटर्स, और जो प्रोसेस होती है वो कंप्यूटर है वो कंप्लीट करता है. मींस कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं किसी भी प्लांट में, जैसे मान लीजिए 100 हो गए, अब 100 ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हो गए तो उनको अपन कंसीडर तो नहीं कर पाते हैं, तो कंप्यूटर जो होता है वो उनको असाइन करता है कोड में या नंबर्स में. देन उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है बाय द कंप्यूटर. देन नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी. व्हाट इज साइटोटैक्सोनॉमी? साइटोटैक्सोनॉमी देखो, साइटो का अगर आता है मीन, इट मीन्स द आपको कंसिडर्ड क्या करना है, सेल. साइटो मीन्स क्या होता है, सेल. तो जो भी ये टाइप का क्लासिफिकेशन है साइटोटैक्सोनॉमी, इसका मतलब ये है कि सेल से रिलेटेड है. सेल में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं. जब डिविजन्स होते हैं तो सेल के नंबर क्या हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स क्या हैं, है ना, उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है. जैसे मान लीजिए इसमें अगर अपन बात करते हैं, तो इट कंसिडर द साइटोटैक्सोनॉमिकल इंफॉर्मेशन लाइक नंबर ऑफ structures of behavior of chromosomes during the cell division, और especially the meiosis. जब भी meiosis होता है तब cytotaxonomical classification है वो considered किए जाते हैं. उनमें chromosomes के number कितने हैं, ठीक है, behavior कैसा है chromosomes का, इनके according जो classification है वो होता है cytotaxonomy. Then है chemotaxonomy. देखो, chemotaxonomy means कि chemical जो भी है कंपोनेंट्स या कंपोजिशन या कंस्टिट्यूएंट्स, उनके बारे में अपन को बात करनी है. तो कीमोटैक्सोनॉमी क्या हो जाती है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स. इट कंसिडर्ड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लांट्स, और केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ही उनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो आता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे क्लासिफिकेशन के बेसिक्स थे. इनके बाद जो अपना डिवीजन है वो स्टार्ट होता है प्लांट का डिवीजन या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. तो डिवीजन्स पांच पढ़े थे अपन ने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये अपन ने पढ़ने हैं. अपन को ये पांच जो डिवीजन होते हैं वो प्लांट के मेनली दिए गए हैं. तो फर्स्ट डिवीजन है, अपन स्टार्ट करते हैं डिवीजन फर्स्ट, थैलोफाइटा. थैलोफाइटा, थैलस स्ट्रक्चर अपन ने बात करी थी. मतलब क्या होता है थैलस का, दे कांट बी डिफरेंशिएट इन द लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा. ऐसे कोई प्लांट्स नहीं होते हैं जो कि उनको अपन डिफरेंशिएट ना कर पाएं. अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि रूट्स क्या है, स्टेम क्या है, फ्लावर क्या है, तो वो स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है थैलस. ठीक है, उसी के बारे में अपन को पढ़ना है थैलोफाइटा. थैलोफाइटा जो होता है मेनली, थैलोफाइटा में आते क्या है, इनका कंपोजिशन क्या है, एल्गा. सारे जो एल्गा आते हैं वो आते हैं इन द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा. अब थैलोफाइटा एल्गा जो आते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, देखिए, सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है इनमें क्लोरोफिल होता है. दे हैव क्लोरोफिल. स्ट्रक्चर जो होती है वो थैलोइड होती है एंड द ऑटोट्रॉपिक. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक. एल्गा जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, थैलोइड होते हैं, और इनमें क्लोरोफिल होता है. ठीक है, अब इनका जो भी है ये कहाँ फाउंड होते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो इनका हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है. एल्गा जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, लार्जली एक्वेटिक होते हैं, बहुत मैराइन होते हैं, और जो फ्रेश वाटर होता है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं. कुछ क्या होते हैं, मॉइस्ट सॉइल होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. कुछ एपिफाइट्स होते हैं, न्यूमेटोफोर्स, जहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए उनकी रूट जो होती है वो ऊपर आ जाती है. कुछ सिम्बायंट्स होते हैं
जो क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं विद द फंजाई, है ना। फिर देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फेवरेबल कंडीशंस में होगा, और फेवरेबल कंडीशंस में फॉर्मेशन होगा ऑफ द जूस्पोर एंड द एप्लेनोस्पोर्स। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ आइसोगैमस। आइसोगैमस क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं या सॉरी जो गैमेट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे कि कारा जो प्लांट होता है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो उनमें जो है डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। इट मींस ऐसा जो भी फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके कहते हैं अपन आइसोगैमस, आइसोगैमी। ये आइसोगैमी आइसोगैमस गैमेट्स हो जाएंगे, प्रोसेस जो है आइसोगैमी हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास एल्गा होता है, क्लेमाइडोमोनास उनमें आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर एनाइसोगैमस जैसे यूलोथ्रिक्स होता है, इनमें क्या होता है, यूलोथ्रिक्स में जो भी गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल उनमें डिफरेंशिएशन होता है, तो उसको कहते हैं अपन आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब एल्गा जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है। इन क्लासिफिकेशन के जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट दे हैव, उनमें कौन सा टाइप का पिगमेंट है, कुछ ग्रीन होते हैं, रेडिश होते हैं, कुछ ब्राउन एल्गा भी होते हैं, है ना। तो उनमें जो पिगमेंट है, ऑन द बेसिस द पिगमेंट दे हैव उनके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया। सेकंड क्या है, नेचर ऑफ रिजर्व फूड, उनमें रिजर्व फूड क्या है उसके अकॉर्डिंग भी एल्गा को क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हो गया वो हो गया टाइप ऑफ पिगमेंट दे है, उनमें पिगमेंट कैसा है। सेकंड जो है वो है नेचर ऑफ रिजर्व फूड, उनमें रिजर्व फूड क्या है, किसी में स्टार्च होता है, किसी में क्लोरीडीन स्टार्च होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन। ऑल द बेस्ट।